हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, दिस इज सुरेश बारानी एंड वेलकम टू सुरा टेक्निकल। सो गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर हम रेड थे एमएस वर्ड के ऊपर, तो इससे जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 7, उसके अंदर गाइस जो हमने आंसर टाइप शुरू किया था कि आंसर टाइप के अंदर जो है कुछ कमांड्स यूज़ की थी, तो आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लेक्चर नंबर 7 वाइंड अप किया था। तो सबसे पहले जो एमएस वर्ड की फाइल यहाँ पे ओपन करते जो हमने सेव की थी, तो यहाँ पे फाइल जो हमारी ओपन हो रही है। अच्छा गाइस देखें, तो हमने यहाँ तक किया था पिक्चर्स तक, तो इंसर्ट टाइप के अंदर आ जाएं आप। इसको फिलहाल अच्छा इंसर्ट टाइप के अंदर, तो गाइज हमने यहाँ तक किया था पिक्चर्स तक। फिलहाल जो पिक्चर्स को आप डिलीट कर दें यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे आएँ तो ये जो हमारा पैराग्राफ राइट किया हुआ था इसको रहने दें। अच्छा गाइज, आज जो हम लोग यूज़ करेंगे ऑनलाइन पिक्चर्स और बाकी जो भी कमांड्स है कुछ जो आज हम कवर कर लेंगे, तो इसी तरीके से सीरीज वाइज जो हम लोग कवर करते जाएंगे। तो गाइज ऑनलाइन पिक्चर से क्या मुराद है कि ऑनलाइन पिक्चर से ये कि फिलहाल तो मेरे पास कोई यार नेट का कनेक्शन नहीं है, तो हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब मेरे पास कोई इंटरनेट का कनेक्शन हो, ठीक है। तो ऑनलाइन पिक्चर से ये मुराद है कि ऑनलाइन पिक्चर से जब हम लोग मतलब कोई भी किसी वेबसाइट से जो हम लोग ऑनलाइन पिक्चर्स वगैरह लेके यहाँ पे पेस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं ऑनलाइन पिक्चर्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ मेरे पास कुछ ये ऑप्शन दे रहा है, ट्राई अगेन, वर्क ऑफलाइन एंड कैंसिल, ठीक है। तो क्या कह रहा है, यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन टू इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर। अच्छा, मुझे ऑनलाइन इंसर्ट कोई पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जो फिलहाल मेरे पास नहीं है। वाइल यू आर ऑफलाइन, अगर आप लोग ऑफलाइन है, यू कैन इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो क्या कर सकते हैं आप, किसी आप जो भी आपका कंप्यूटर है आप अपने कंप्यूटर से कोई भी पिक्चर्स लेके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ट्राई अगेन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो वर्क ऑफलाइन पे आते हैं, तो जैसे ही मैं वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करूँगा तो हम लोग अब मेरे कंप्यूटर के अंदर चले जाएंगे। देखें अच्छा, तो गाइस यहाँ पे मैं कंप्यूटर के अंदर चला गया हूँ। यहाँ पे देखें तो मेरे पास बहुत सारे स्क्रीन शॉट भी लिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे कोई स्क्रीन शॉट यूज़ कर लेता हूँ इस तरीके से। अच्छा तो गाइस जो ये मेरा यूट्यूब का चैनल था, मैंने उसकी स्क्रीन शॉट ली थी, ये स्क्रीन शॉट है। तो जैसे मैंने ऑफलाइन पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो मेरा पीसी के अंदर ब्राउज खुल ओपन हो गया था, तो वहाँ से हमने एक फाइल ली है जो एक इमेज ली है, ठीक है, इंसर्ट की है। तो गाइज इस तरीके से जो हम लोग ऑफलाइन कोई पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रहा है हमें, कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर से क्या मतलब कि हम लोग पिक्चर्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो हमने पिक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था इसी तरीके से। तो यहाँ पे फिलहाल जो है मीडियम रहने दे, कंट्रोल जेड कर दें आप अगेन। अच्छा इसी तरीके से चेंज पिक्चर है, अगर हम लोग इस पिक्चर की जगह कोई और पिक्चर यूज़ करना था चाहें तो हम लोग यहाँ से चेंज पिक्चर कर सकते हैं, रीसेट पिक्चर भी कर सकते हैं। तो ये भी हमने यूज़ किया था देखिए इस तरीके से। तो फिलहाल जो कोई चेंजिंग नहीं है क्योंकि अभी तक हमने कोई फॉर्मेटिंग यूज़ नहीं की है। तो ये देखें रीसेट हो गया, पिक्चर शो हमारी गायब हो चुकी है यहाँ से, रीसेट पिक्चर एंड साइज़ की। तो अगेन कंट्रोल जेड करें, अगेन जेड करें, तो ठीक है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे और ऑप्शन भी दिए हुए हैं इसे देखें, तो यहाँ पे ये मैंने ऑप्शन यूज़ किया। तो ये जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे जस्ट मैंने अभी तक इस पर क्लिक नहीं किया है, तो जैसे जैसे ही मैं इस पर पॉइंटर लेके आ रहा हूँ तो ये जस्ट अप्लाई अप्लाई कर रहा है, देखें अप्लाई हो रहा है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये जो अप्लाई हो जाएगा, तो ये जस्ट हमें शो करवा रहा है कि इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ये होगा इफेक्ट, इसका ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जस्ट इफेक्ट शो करवा रहा है कि अगर आप लोग इसको यूज़ करेंगे तो इसका इफेक्ट ये होगा। तो देखें इस तरीके से, तो ड्रॉप है, ड्रॉप शेडो है, यहाँ पे इस तरीके रिफ्लेक्ट है, राउंडेड रेक्टेंगल है, सॉफ्ट एज रेक्टेंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग मार्जिन जो सॉरी यहाँ पे देखें जो बॉर्डर है आप लोग बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं आप बाय डिफॉल्ट ही। देखें यहाँ पे एक पिक्चर्स पे ऑलरेडी सेट किया हुआ, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे बॉर्डर शो हो रहा है। अगर हम लोग बॉर्डर की जो लाइन है अगर इसको छोटा बड़ा करना चाहे, जो उसकी विड्थ अगर सेट करना चाहे, तो हम लोग कर सकते हैं देखिए यहाँ से। तो मैंने जो पिक्चर्स के अंदर भी आप लोगों को बता दिया था और आज भी मैं आपको थोड़ा क्लियर करवा लेता हूँ। तो देखें इस तरीके से जो आप लोग, तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें बॉर्डर जो एक रेड कलर का शो हो रहा है, तो जैसे मैं येलो पे आऊँगा एक येलो लाइन शो हो रही है इस तरीके से। तो देखें यहाँ से जो आप लोग बॉर्डर सेट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से अगर आप लोग बॉर्डर का जो है विड्थ है वो भी अगर आप ज़्यादा वेट जो है वेट भी कहते हैं या विड्थ अगर आप लोग करना चाहें तो सेट कर सकते हैं देखिए इस तरीके से। यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो कर सकते हैं इस तरीके से, देखें। तो इस तरीके से जो हम लोग गाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे पिक्चर्स के कुछ इफेक्ट्स दिए हुए हैं, अगर कोई इफेक्ट्स यूज़ करना चाहें देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें
इफेक्ट्स यूज़ किए, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो अप्लाई होता जा रहा है, तो ये जो हमें शो करवा रहा है कि अगर आप इस पर प्रेस करेंगे तो पिक्चर जो कुछ आपकी इस तरीके से शो होगी। तो देखें गाइस, नीचे आए तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन पड़े हैं, देखें। तो गाइस ये जो है कुछ इफेक्ट्स हमें शो करवा रहा है, इसी तरीके से जो शेडो में भी कुछ ऑप्शंस है। तो यहाँ पे देखें कुछ शेडो यूज़ हो रहा है, तो गाइस आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे एक शेडो यूज़ हो रहा है, इसी तरीके से टॉप पे यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे राइट साइड पे है तो अभी शो नहीं हो रहा, क्योंकि राइट साइड पे जो हमारी ये लिस्ट ओपन हो चुकी है पिक्चर इफेक्ट्स की। तो देखें इसी तरीके से देखें लेफ्ट पे, देखें यहाँ पे जो आपको एक शेडो थिन जो है शेडो नज़र आ रहा है, इसी तरीके से टॉप पे देखें तो यहाँ पे जो आप लोग शेडो दे सकते हैं, इसी तरीके से आप लोग गाइस रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखें एक रिफ्लेक्शन जो है मेरी पेज सेकंड लाइन पे चला गया। तो इस तरीके से देखें जो हमने यूज़ किया था उसका एक रिफ्लेक्शन यूज़ हो चुका है इस तरीके से यहाँ पे। तो गाइस आप लोग कोई भी रिफ्लेक्शन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इफेक्ट यूज़ करना चाहें। फिलहाल जो मैं इसको रिफ्लेक्शन को नन कर लेता हूँ, तो देखें जैसे मैंने नन किया तो अगेन ये सेम पेज पे आ चुकी है। तो इस तरीके से गाइस कोई भी आप लोग जो है यूज़ कर सकते हैं इफेक्ट, यहाँ पे पिक्चर्स का इफेक्ट, सॉफ्ट एज है, ठीक है, इसी तरीके बेवल है, 3D रोटेशन है। 3D रोटेशन में जाएं तो यार यहाँ पे देखें बहुत सारे ऑप्शन पड़े हुए हैं, आप लोग कोई भी ऑप्शन यूज़ करना चाहें देखें इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे आप लोग इफेक्ट अगर यूज़ करना चाहें कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे क्लिक करें, देखें बहुत सारे इफेक्ट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो गाइस इस तरीके से जो भी आप लोगों को इफेक्ट चाहिए आप लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से गाइस, ठीक है। फिलहाल जो हम इसको रहने दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई हम लोग इफेक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो गाइस इसी तरीके से यहाँ पे देखें पोजीशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है कि हम लोग पिक्चर को कहाँ पे इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, सेंटर के अंदर या कहाँ पे यूज़ करवाना चाह रहे हैं, टॉप पे करवाना चाह रहे हैं। तो देखें टेक्स्ट के ऊपर आ चुकी है जो हमारी पिक्चर्स थी वो, तो जैसे ही मैंने टॉप पे किया वो जो हमारे टेक्स्ट के ऊपर आ चुकी है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें अगेन यहाँ पे आए तो ये देखें टॉप राइट में है, इसी तरीके से टॉप राइट में आ चुकी है। पिक्चर्स को थोड़ी विड्थ थोड़ी साइज कम कर ले इस तरीके से। तो गाइस देखें अभी देखें अगेन यहाँ पे आए पोजीशन के अंदर आए, तो यहाँ पे गाइस देखें लेफ्ट के अंदर आ चुकी है और यहाँ पे राइट पे आ चुकी है। इस तरीके से गाइस जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे देखें नीचे आ चुकी है, टेक्स्ट के नीचे आ चुकी है। अच्छा बीच में इसलिए नहीं आई क्योंकि जो टेक्स्ट हमारा कम लिखा हुआ था, इस वजह से पूरा पेज कंप्लीट नहीं था इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम के अंदर आ चुकी है, शो नहीं करवा रही है, नीचे नीचे जा चुकी है पिक्चर इस वजह से, ठीक है। तो मोर लेआउट पे ऑप्शन में भी जाके आप लोग कोई भी अगर ऑप्शन आपको सही लगे वो भी आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसको रहने दें, पोजीशन जो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल जो मैं आपको जस्ट के लिए बताना चाहता था कि आप लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल जो आप उसको लेफ्ट में रहने दें, भले देखें अच्छी लग रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से भी गाइज आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे रैप टेक्स्ट है, क्या टेक्स्ट को आप लोग किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं देखें। तो थ्रू टाइट है, स्क्वायर में भी है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के फ्रंट में या बिहाइंड में किस तरीके से। तो जैसे ही मैंने बिहाइंड टेक्स्ट किया तो कि इसने क्या किया, पिक्चर्स के फ्रंट में आ चुका है, बट जो हमारी पिक्चर्स थी वो टेक्स्ट के पीछे आ चुकी है। बट टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट जो पिक्चर्स के पीछे, बट जो हमें शो ऐसा हो रहा है कि टेक्स्ट जो है फ्रंट में है, ठीक है। तो इस तरीके से देखें पिक्चर जो फ्रंट में आ चुकी है और टेक्स्ट हमारा बैक जा चुका है। एडिट रैप, यहाँ पे बहुत सारी पॉइंट्स है ये जो हम आगे चलकर क्लियर कर लेंगे। अभी जो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूँ कि किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, फिलहाल जो उसको रहने दें इसी तरीके से। गाइस यहाँ पे एक और ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कलर्स के। गाइस इसके अंदर ये है कि हम लोग यहाँ पे कोई भी जो हमारा जो पिक्चर है उसको हम लोग कोई भी कलर्स दे सकते हैं। गाइस देखें इस तरीके से, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ या यहाँ पे इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो देखें जो टेक्स्ट सॉरी पिक्चर्स दी हमारी उसका कलर चेंज हो चुका है। इसी तरीके से गाइस देखें यहाँ पे फिलहाल जो है मैं इसको पोजीशन राइट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखें आप। अच्छा आप गाइस देखें तो इस तरीके से गाइस जो आप कोई भी कलर देना चाहें यूज़ कर सकते हैं। नीचे आ जाएं, नीचे बहुत सारे कलर पड़े, तो अभी जो है गाइस आपको मज़ीद पता चल जाएगा। तो इस तरीके से गाइस देखें यार जो भी आप लोग कलर्स वगैरह जो इफेक्ट्स यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, जो भी यूज़ करना चाहें। मोर वेरिएशंस में जाके बहुत सारे और भी हैं कलर्स पड़े हुए हैं, तो जो भी आप लोग यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरीके से गाइस एक और ऑप्शन है यहाँ पे आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है एक इन्होंने खुद ने क्रिएट किया हुआ है कि यहाँ से अगर आप लोग कोई इफेक्ट यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। देखें जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो गाइस देखें कि ये जो कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, जैसे बारिश की बूंदें नहीं होती जब शीशे पर गिरती है,
तो आईने पर जब बूंदें गिरती हैं तो आईना नजर आता है इस तरीके से, धुंधलापन। तो इसी तरीके से जो हमारी पिक्चर भी शो हो रही है इस तरीके से गाइस, देखें बहुत सारे इफेक्ट्स पड़े हैं, आप लोग कोई भी यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। तो गाइस ये देखें, ये ग्रिड व्यू के ऑप्शन में आपको नज़र आ रही है इसी तरीके से, ये देखें तो यहाँ देखें ये ब्लैक में है फुल। तो इस तरीके से गाइस जो भी आप लोग यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें ये इफेक्ट यूज़ हो चुका हमारा। कोई भी इफेक्ट अगर आप लोग यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे एक रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके थ्रू अगर आप कोई बैकग्राउंड को देखें रिमूव करवाना चाहे करवा सकते हैं। मैं जैसे इस पर कीप चेंज करूँगा तो यहाँ पे अगर मैं इस पर डिस्कार्ड ऑल चेंज करूँगा तो ये जो है सेम पोजीशन में चला जाएगा। देखें इस तरीके से, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो है बैकग्राउंड इसका चेंज करूँ तो यहाँ पर कीप चेंज करें, देखें जो भी बैकग्राउंड था वो चेंज हो चुका है, जस्ट ये चीज़ हमें शो करवा रहा है। ठीक है, इस तरीके से गाइस जो आप लोग कर सकते हैं, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ सेम पोजीशन में लेके आने के लिए, कंट्रोल जेड कर दें आप। ठीक है, इस तरीके से। तो गाइस इस तरीके से जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगेन इंसर्ट में आ जाएं। ठीक है, इंसर्ट में तो गाइस देखिए हमारी शेप तो हो चुकी है, अच्छा सॉरी पिक्चर ऑनलाइन हो चुकी है। इसी तरीके से गाइस शेप है, तो शेप को गाइस हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आए नीचे तो गाइस शेप को जो आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से गाइस, आपको जो रेक्टेंगल सर्किल राउंडेड रेक्टेंगल, तो गाइस बहुत सारी जो आप यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जो भी आप लोग शेप सेलेक्ट करके यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, कोई भी से इक्वल टू है, कोई भी अगर आप लोग यहाँ से सिंबल यूज़ करना चाहें यूज़ करना चाह सकते हैं एज ए शेप के तौर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो जो है यहाँ पे एक एरिया वाइज सेलेक्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है कि आप लोग यहाँ से माउस के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ड्रैग करें माउस को, अगर साइज को जो इंक्रीज़ करवाना चाहे तो यहाँ से देखें माउस को खींच के करवा सकते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो है ऑप्शन नज़र आ रहे हैं फॉर्मेट्स के, इस तरीके से जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ जो ऊपर की ग्रीन लाइन है जो बॉर्डर है वो शो हो रहा है, बाकी अंदर जो भी था हमारा जो बैकग्राउंड था वो हाइड हो चुका है, वाइट हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ब्लैक है, ब्लू है, जो भी यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। फिलहाल जो मैं इस पर जो है बाय डिफ़ॉल्ट उसी को ही रहने देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आते हैं शेप फिल के अंदर। ठीक है, तो शेप फिल में आए अगर आप कोई कलर देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, जो भी कलर आप लोग यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, तो अगर नो कलर्स करना चाहें तो इस पर क्लिक कर दें, अगर मोर फिल कलर, अगर कोई और कलर यूज़ करना चाहते हैं तो फिर यहाँ से आएँ और यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे मैं ओके करूँगा ये जो कलर है हमारा ये कलर, तो ये यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर कोई भी अगर आप कलर यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो पिक्चर्स अगर इंसर्ट करना चाहें यहाँ पे पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आए वर्क ऑफलाइन। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक पिक्चर करवा दूँ इंसर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर्स लिए हमने और इस तरीके से यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दी। देखें जितनी हमारी शेप थी उतनी उतने एरिया में हमारी पिक्चर जो थी वो इंसर्ट हो चुकी है इसी तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जो हम लोग पिक्चर को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो देखें यहाँ पे भी एक पिक्चर्स है और यहाँ पे एक पिक्चर्स जो हमने इंसर्ट करवा दिए, तो फिलहाल कंट्रोल जेड कर दें तो यहाँ पे जो आप पिक्चर भी इंसर्ट करवा सकते हैं। अगेन इस पे आएँ और डबल क्लिक करें तो अच्छा शेप आउटलाइन में आपको पता है कि कोई जो है कलर की जो बॉर्डर देना चाहें जो लाइन होती है आउटलाइन, तो वो लोग आप वो आप दे सकते हैं। मैं रेड कलर कर लेता हूँ ताकि आपको मज़ीद पता चल सके। अगर कोई नहीं देना चाहते तो यहाँ पर नो कर दें, देखिए नो आउटलाइन इस तरीके से। और मोर आउटलाइन कलर्स में जो कोई यहाँ पे आप कलर चूज़ करना चाहे आउटलाइन के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं कोई कलर यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रेड ही रहने दे रहा हूँ, तो इस वजह से शेप इफेक्ट्स है जो हमने ऑलरेडी यूज़ की हुई है, प्रेस यहाँ पे शेडो है, रिफ्लेक्शन है, कोई भी यूज़ करना चाहे कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा गाइस यहाँ पे आए और यहाँ पे जो है नो कर दें, और अच्छा यहाँ पे हम लोग पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। फिलहाल पिक्चर वर्क ऑफलाइन यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको तो गाइस इस तरीके से जो हम लोग कर सकते हैं, देखें कितनी प्यारी लगी है, कितनी प्यारी लग रही है पिक्चर जो हमारी है। तो गाइस जो भी शेप जो आप ड्रा करवाना चाहें करवा सकते हैं इसी तरीके से, इंसर्ट के अंदर आए कोई और अगर शेप ड्रा करवाना चाहें तो करवा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है गाइस, यहाँ पे आए इंटर करें, चलो नेक्स्ट पेज पे मूव कर गए हैं। अच्छा फिलहाल इस पे रहने दे रहा हूँ, यहीं पे मैं कर लेता हूँ कोई। अच्छा गाइस यहाँ पे आए शेप के अंदर कोई भी जो आप लोग शेप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे देखें एरो का ऑप्शन है या कोई भी ट्रायंगल है, तो इस तरीके से गाइस देखें आप लोग यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो सेम वे है, कोई भी आप लोग जो है पिक्चर या कोई शेप जो इंसर्ट करवा सकते हैं इस तरीके से। इसमें भी अगर आप लोग पिक्चर को इंसर्ट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं इसी तरीके के।
इसी तरीके से, ठीक है। तो कंट्रोल जेड करते हैं इसको, फिलहाल जो है रहने दे। अच्छा इंसर्ट के अंदर आ जाएं गाइस। अच्छा तो इंसर्ट के अंदर, अच्छा तो गाइस यहाँ पे देखें हमारी शेप हो चुकी है। इसी तरीके से गाइस यहाँ पे एक और ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट से क्या होता है, तो जैसे मैंने स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे एक और ऑप्शन नज़र आया इंसर्ट स्मार्ट आर्ट या ग्राफिक्स, ठीक है। तो इसको जो हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो गाइस ये जो हम लोग किसी प्रोसेस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं या जो ग्राफिकल्स जो भी वर्क होते हैं हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑल के अंदर ये जो सारे हैं जो शो हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको किसी लिस्ट वाइज देखना है तो यहाँ पे देखें लिस्ट के अंदर ये ऑप्शन है, आप लोग यहाँ से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रोसेस के हिसाब से मैं अभी आपको कोई यूज़ करके बताने वाला हूँ, ठीक है। इसी तरीके से गाइस देखें प्रोसेस के हिसाब से, अच्छा प्रोसेस के हिसाब से हम लोग कोई यूज़ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ या ये ले ले, अच्छा मैं ये लेता हूँ और यहाँ पे यूज़ करके बताता हूँ कि इसको हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा प्रोसेस में यहाँ पे क्या है, फॉर सपोज हम लोग एम एस वर्ड का ही लेते हैं। एम एस वर्ड को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहला ये होता है कि हमें एम एस वर्ड को ओपन एम एस वर्ड, सेकेंड राइट समथिंग ऑन द डिस्प्ले, ठीक है यहाँ पे कुछ राइट करना है। और इस थर्ड प्रोसेस क्या, सेव फाइल एंड कंप्यूटर, अच्छा ये भी एक प्रोसेस के हिसाब से मैंने यूज़ किया। तो सबसे पहले हमें क्या करवाना होता है कि एम एस वर्ड को ओपन करवाना होता है, उसके बाद जो कुछ हमें यहाँ पे राइट करना होता है या शेप है या कोई भी यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है कुछ टेक्स्ट है जो भी है जिसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो राइट करना होता है। और थर्ड ऑप्शन ये होता है कि उसको हमें सेव करवाना होता है, सॉरी कंप्यूटर के अंदर ये क्या आ गया यार। तो इस तरीके से गाइस जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, डबल सी आ गया यार, ठीक है कोई मसला नहीं है। तो इस तरीके से जो हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से बहुत सारे हैं। अगर ये यूज़ करना चाहे यहाँ से भी सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, देखें तो एरो से है और यहाँ पे इस तरीके से भी है प्रोसेस, इस तरीके से जो भी आप लोग यहाँ से यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, देखें इस तरीके से। तो एरो को यहाँ से थोड़ा जो है कलर्स थोड़ा जो इफेक्ट्स यूज़ हो रहा है, देखें इस तरीके से ये जो लाइट हो चुका है, इस तरीके से ये जो है ज़्यादा हो चुका है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मूव अप है यहाँ पे देखें, तो इस तरीके से जो आप लोग यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो फिलहाल कंट्रोल जेड कर दें, इंसर्ट टाइप के अंदर आ जाएं अगेन। तो गाइस इस तरीके से जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं जो इसको स्मार्ट आर्ट को, फिलहाल इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो यहाँ से तो जो हम लोग स्मार्ट आर्ट इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अगर आप लोग यहाँ से यूज़ करना चाहें प्रोसेस के हिसाब से या साइकिल के हिसाब से, बहुत सारे देखें यहाँ पे पड़े हुए हैं शेप्स जो भी आप लोग यूज़ करना चाहें, रिच है रिलेशनशिप्स के अंदर है जो भी जिस चीज़ का मतलब आपको चाहिए जिस चीज़ के लिए आप लोग करना चाहें, तो यहाँ से जो सीरीज़ वाइज जो आप लिस्ट के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। अगर लिस्ट में चाहिए तो लिस्ट के हिसाब से, प्रोसेस में चाहिए तो कोई प्रोसेस के हिसाब से, अगर आपको कोई साइकिल के अंदर कोई शेप चाहिए तो आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं या सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इसी तरीके से यहाँ पे एक चार्ट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, चार्ट का ऑप्शन हम लोग गाइस क्यों यूज़ करते हैं, तो चार्ट का गाइस ऑप्शन यहाँ पे देखिए जैसे ही बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, लाइन के अंदर है, कॉलम्स के अंदर है, पाई के हिसाब से, बार के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, हम लोग कोई भी अगर आप लोग यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं सरफेस के हिसाब से, ठीक है। फिलहाल जो मैं आपको जस्ट थोड़ा इंट्रो करवा देता हूँ इसका, तो इसी तरीके से गाइस देखें बार के हिसाब से, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक शीट ओपन हो जाएगी। तो गाइस देखें यहाँ पे एक शीट ओपन हो चुकी है, तो इसके अंदर जो है गाइस फोर कैटेगरीज बनी हुई है। कैटेगरीज नंबर वन, उसके अंदर ये वैल्यू दी हुई है सीरीज़ फर्स्ट की, सीरीज़ सेकेंड की ये दी हुई है, और सीरीज़ थर्ड की ये दी हुई है। तो गाइस देखें सॉरी इस तरीके से, तो गाइस देखें यहाँ पे कैटेगरी वन में और कैटेगरी टू है और कैटेगरी थ्री कैटेगरी फोर है। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे जो इसकी वैल्यूज़ दी हुई है, ये सीरीज़ वन का कलर है जो ये है, सीरीज़ टू का जो ये हाफ ऑरेंज में जो आपको नज़र आ रहा है, सीरीज़ थ्री में ये जो आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है, ये तो ये इसकी टाइप्स है इस तरीके से जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। शीट के अंदर आ जाएं, शीट आई थिंक हाइड हो चुकी है, तो फिलहाल जो पहले मैं इसको भी इसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट पेज के अंदर आ जाएं।
सॉरी, और यहाँ पे आ जाए अगेन इंसर्ट में, इसको जो अगेन यूज़ कर लें चार्ट को। यहाँ पे कोई कॉलम, चलो कॉलम के हिसाब से ले लेते हैं, ओके कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है गाइस, तो देखें इस तरीके से जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू दी हुई है सीरीज़ फर्स्ट की 4.3 है, सीरीज़ टू की जो कैटेगरी वन की मैं बोल रहा हूँ 2.4, और सीरीज़ थ्री की 2 है। तो इस तरीके से गाइस हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे देखें एक चार्ट दिया है कैटेगरी वन के अंदर, तो देखें दो है सीरीज़ नंबर वन का यहाँ पे ब्लू कलर शो हो रहा है, सीरीज़ नंबर टू का ऑरेंज, और सीरीज़ नंबर थ्री का हाफ ग्रे जो नज़र आ रहा है इस तरीके से कलर, जो इसके कलर्स जो है इसके नंबर बता रहे हैं कि ये कौन सी सीरीज़ का, सीरीज़ टू सीरीज़ थ्री के। ठीक है, तो गाइस देखें कैटेगरी नंबर वन के अंदर क्या है, सीरीज़ वन की जो है 4.3 जो है सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो यहाँ पे देखें इसने क्या किया, जो है कॉलम है जो हमारा वो सबसे ज़्यादा शो कर रहा है। देखें ये जो 4 है और 4 पॉइंट ऊपर जो 3 है वो यहाँ पे हमें नहीं शो करवा रहा है, तो वो भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। इसी तरीके से जो कैटेगरी 2 की है जो ऑरेंज कलर में, देखें यहाँ पे इसका कलर भी शो करवा रहा है, ये 2 है तो 2.4 है। तो देखें यहाँ ये जो है 2 2 यहाँ पे ख़त्म होता है, ये जो 2.4 जो है इसका ऊपर वाला ऐसा, तो ये जो है इस हिसाब से बता रहा है कि 2.4, ये देखें 2 पे है कम्प्लीटली। तो इसी तरीके से सीरीज़ 2 में देखें, कैटेगरी 2 देखें सॉरी, तो इस तरीके से सीरीज़ 1 देखें 2.5, ठीक है 2.5 यहाँ तक देखें, इसी तरीके से देखें 4.4 4.4, इसी तरीके से सीरीज़ नंबर 3 के अंदर देखें 2 है, तो यहाँ पे ये जो है 2 पर ऑप्शन शो कर रहा है, और यहाँ पे देखें ये 1 2 3 4, ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है शो करवा रहा है। अच्छा गाइस, तो गाइस इस तरीके से जो हम लोग सीरीज़ के कलर भी चेंज वगैरह करवा सकते हैं, यहाँ से देखें ये सीरीज़ 3 है, ये सीरीज़ 2, ये सीरीज़ 1, ठीक है गाइस, इस तरीके से जो हम लोग कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखें कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, तो इस तरीके से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। फिलहाल जो इसको रहने दें यहाँ से, तो गाइस इस तरीके से जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल एक्स कर दें फिलहाल। अच्छा सॉरी, मैंने उसको जो डिलीट कर दिया, कोई मसला नहीं, तो हमने यूज़ कर लिया है। इसी तरीके से गाइस यहाँ पे एक और ऑप्शन है स्क्रीनशॉट का, तो गाइस स्क्रीनशॉट को जो हम लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर, तो यहाँ पे पूरा टेक ए स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसके अंदर जो हम लोग स्क्रीनशॉट किस तरीके से ले सकते हैं, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे क्लिक करें और स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करें, और यहाँ पे देखें जो अब हमें ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ पे एरिया सेलेक्ट कर लें जितना आप लोग यूज़ करना चाहते हैं, जितनी आप लोग स्क्रीन, तो इस तरीके से जैसे जितना मैंने किया तो यहाँ पे ये देखें स्क्रीनशॉट इसकी निकल आई है। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और अगेन हम लोग यूज़ कर लेते हैं इसी तरीके से, तो ठीक है इस तरीके से गाइस जो हम लोग स्क्रीनशॉट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है, अच्छा यहाँ से इंसर्ट करें और यहाँ से स्क्रीनशॉट में आए, क्लिपिंग पे आए, तो गाइस देखें जैसे ही मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया तो गाइस यहाँ पे देखें जो हमारा एरिया है उसकी स्क्रीनशॉट निकल चुकी है। तो गाइस इस तरीके से जो हम लोग स्क्रीनशॉट भी यूज़ कर सकते हैं, तो जो भी आगे कमांड्स है सारी अमाउंट वो लोग हम वो जो कमांड्स हम लोग आगे यूज़ करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर फॉर मोर ऑसम वीडियोस, और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दे ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो में जब भी अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपको मैन्युअल सर्च ना करना पड़े। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट में कमेंट कर दें, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।